हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो क्या था, तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, इसका पहले थोड़ा सा हम पढ़ ही चुके हैं तो हमको थोड़ा सा तो पता ही है। थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। वेरियस टाइप इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आर किस तरीके से, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप बताइए, ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। तो आप पहले से ही जानते हैं कि ग्रीन प्लांट है जो सन से एनर्जी लेते हैं, 1% एनर्जी, टोटल एनर्जी का 1% एनर्जी लेते हैं और जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो है प्रोसेस, अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स एज द कार्बोहाइड्रेट, और ये प्लांट जो हैं इस एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लेते हैं और अपनी जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज बाई द प्लांट्स इज परफॉर्मिंग देयर मेटाबोलिक एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, रेस्पिरेशन एक्सेप्ट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि अपने जो है मेटाबोलिक एक्टिविटीज के रूप में यूज करते हैं, जैसे ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, इसमें यूज करते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड एज हीट इन द एनवायरनमेंट। जो कुछ एनर्जी है वो हीट के रूप में एनवायरनमेंट में चली जाती है, जो थोड़ी सी एनर्जी होती है। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे, सेकंड स्टेप व्हेन प्लांट आर ईटन बाय द हर्बीवोरस एनिमल्स। जब ये प्लांट हर्बीवोरस एनिमल के द्वारा खाए जाते हैं तो द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट फूड इज ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस एनिमल। तो ये एनर्जी होती है जब हर्बीवोरस एनिमल प्लांट को खाते हैं तो उसमें ट्रांसफर हो जाती है जो उन्होंने स्टोर कर रखी होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड द ग्रोथ। वो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर ग्रोथ इस तरीके से जो भी है उसमें यूज कर लेते हैं। हेयर अगेन सम ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट इन टू द एनवायरमेंट। इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो हीट के रूप में एनवायरमेंट में चली जाती है। आगे थर्ड स्टेप में हम देखेंगे, थर्ड स्टेप द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स आर ईटन बाई द कार्निवोरस एनिमल्स। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोरस एनिमल है वो किसके द्वारा खाए जाते हैं, पहले से आपको बताइए, कार्निवोरस एनिमल के द्वारा। तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर इन द फ्लैश ऑफ द हर्बीवोरस, उस हर्बीवोरस के फ्लैश में जो केमिकल एनर्जी होती है वो एनिमल्स इज ट्रांसफर टू द कार्निवोरस एनिमल, यानी कार्निवोरस एनिमल में चली जाएगी। हेयर ऑल्सो सम द एनर्जी इज लॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एज हीट। और यहाँ पे भी थोड़ी सी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है, हीट के रूप में इन्वायरमेंट में चली जाती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन टू एवरी स्टेप ऑफ द फूड चेन। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है फूड चेन में। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम इसको ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं इन अ फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में, फूड चेन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का यही एक तरीका है ट्रांसफर होने का। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हम भी स्टेप से समझ सकते हैं, देखते हैं। सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इज ऑल्सो सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाई द डिकम्पोजर्स इन देयर लाइफ प्रोसेस। कुछ एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स में यूज हो जाती है। इस जो प्रोसेस होती है वो इसी तरीके से चलता है। द डिकम्पोजर्स रिलीज द यूटिलाइज्ड एनर्जी एज हीट इनटू द एनवायरनमेंट।
और जो डिकम्पोजर्स हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करके एनर्जी को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, द हीट एनर्जी विच रिमेन यूटिलाइज बाई द प्रोड्यूसर्स, और फिर ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के द्वारा, इज द लॉस्ट इन टू द एन्वायरमेंट एज हीट, दिस इज द कॉल्ड कम्युनिटी हीट, जिसको हम कम्युनिटी हीट कहते हैं। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन वी कैन द कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट, और हम पॉइंट देख लेते हैं, द एनर्जी इन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, जैसा कि मैंने एनर्जी फ्लो में भी बताया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, तो एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन फैक्ट प्लांट कन्वर्ट द सन्स लाइट एनर्जी इंटू द केमिकल एनर्जी, तो जो प्लांट हैं वो कन्वर्ट करते हैं सन से जो उन्होंने लाइट एनर्जी ली होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वी कॉल द प्लांट एज प्रोड्यूसर, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बट प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, एक्चुअली दे ओनली कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू द केमिकल एनर्जी, वो केवल कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, देयर फोर द प्लांट आर कॉल्ड कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी या फिर ट्रांसड्यूसर भी हम कह सकते हैं। दूसरे स्टेप में देख लेते हैं जो पॉइंट्स हैं, देयर इज ए कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन में ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हर ट्रॉफिक लेवल में इसी तरीके से चलता रहता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। फूड की केमिकल एनर्जी से जो है ये जो कंटिन्यूस ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांट टू द हर्बीवोरस एंड द फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, जैसा कि इस चार्ट के माध्यम समझाया, प्लांट से एनर्जी हर्बीवोरस में और हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जाएगी। थर्ड पॉइंट, एट ईच ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर ट्रॉफिक लेवल में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज कर ली जाती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो सम एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और कुछ एनर्जी पास कर दी जाती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट, और कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज लेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल दैट द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल। कहने का मतलब है कि जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में कम होता जाता है, पहले के मुकाबले कम हो जाता है। द एनर्जी लॉस्ट एज हीट ईच ट्रॉफिक लेवल इफ टेकन टूगेदर इज क्वाइट सब्सटेंशियल, दस देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीजेस इन द दस देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब है कि हर ट्रॉफिक लेवल में जो अमाउंट है एनर्जी का वो डिक्रीज होता चला जाता है, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारे हो गए प्लांट जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के द्वारा खाए जाएंगे, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल के द्वारा खाए जाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट्स मेरे पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको कैसा लगा और कौन से नोट्स चाहिए जिसे मैं अवेलेबल करा सकूँ।